हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम है बेसन और भिंडी। भिंडी और बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं, कैसे बनाई जाएगी, विधिवत तरीके से आप वीडियो में लास्ट तक फुल वॉच करके देख सकते हैं। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। लेते हैं कर्ड मतलब दही, दही लेंगे। दही लेने के बाद इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे, एकदम पतला पतला फेंट लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें सर्व करते हैं एक कप बेसन। बेसन सर्व करने के बाद दही मिक्स करेंगे बेसन को। उसके बाद में इसमें ऐड करते हैं एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। उसका स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद बैटर को अच्छी तरह से थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे। जब बैटर पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा तो एक अलग सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप उठा के देख सकते हैं बैटर एकदम थिक बना है। उसका इधर साइड में से ढककर रख देंगे। लेते हैं भिंडी। भिंडी का वेट होगा लगभग 200 ग्राम। इसका अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा टिप और मिड टिप काट लेंगे। थोड़े बड़े बड़े काटेंगे, ज़्यादा छोटे भी नहीं काटेंगे, कि इसको फ्राई करना है। पहले बेसन में जो मैंने बैटर बनाया था उसमें इसको फ्राई करना है। देख सकते हैं मेरी सारी भिंडी कट चुकी है। भिंडी को एक से साइज में काटना है, एक शेप में काटना है। ऐसे काटना, आप देख लेना जो कीड़े होंगे वो निकाल देना। उसका मैंने अब आता हूँ बैटर पे। बैटर पे आने के बाद भिंडी इसी में सर्व कर देंगे। उसके बाद अब चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं ऑयल। एक एक करके भिंडी ऑयल में फ्राई करेंगे। सारी भिंडी एक साथ नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो चिपक जाएंगे पूरी तरह से और भिंडी अलग अलग नहीं रहेगी। उसका जब पूरी भिंडी सर्व कर लेंगे, सर्व करने के बाद में इसे एक एक चम्मच की सहायता से, छन्नी की सहायता से इसे छुड़ाएंगे। जब भिंडी पूरी मेरी छूट जाएगी तो इसे थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बड़ी छन्नी की सहायता से इसे निकाल लेंगे। सारी भिंडी मेरी पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है बेसन से लिपटी हुई। उसके बाद इसे एक प्लेट में अलग सर्व कर लेंगे। सारी भिंडियों को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद में एक प्लेट में अलग सर्व कर लिया। मैंने सारी भिंडी, जितनी भिंडी मैंने लिया था 200 ग्राम उतनी भिंडी मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद अब आते हैं इसका सब्ज़ी बनाने के लिए। चढ़ाते हैं ऑयल कढ़ाई में। उसका जीरा डालते हैं, लहसुन डालते हैं। लहसुन डालने के बाद इसमें सर्व करते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च सर्व करने के बाद इसमें ऐड करते हैं प्याज आधा कटा हुआ बारीक। उसका प्याज ऐड करने के बाद में इसमें सर्व करते हैं लगभग एक टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह से बारीक बारीक फाइन फाइन चॉप कर लिए थे। उसका इसको भी इसमें सर्व कर देंगे। सर्व करने के बाद में इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। जैसे होगा 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करते हैं नमक। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करते हैं धनिया पाउडर। उसके बाद 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद सब्जी मसाला 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे मसाले को। मसाला जब पूरी तरह से पक जाएगा तो इसी में सर्व कर देंगे भिंडी। देख सकते हैं मैंने भिंडी पूरी तरह से सर्व कर दी है। आप इस वीडियो को पूरी वॉच करके बनाना, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करना। देख सकते हैं मेरी भिंडी पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से भिंडी बना लिया है और इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। वीडियो को देखकर वाचकर चैनल को सब्सक्राइब करके तब बनाना शुरू करना है। भिंडी एकदम लाजवाब टेस्टी हेल्दी भिंडी की रेसिपी बनी है। आप सिंपल भिंडी बहुत खाए होंगे, एक बार इस रेसिपी को वाच करके ज़रूर ट्राई करना। ऐसी वीडियो पाने के लिए अर्जुन किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में। जय हिंद, जय भारत।